जाने से पहले हम बात कर रहे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मंथन की, लेकिन अब बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंथन की। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के यहां बैठक हुई, जिसमें अंतरिम या कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर चर्चा की गई। और इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी शुरुआत में पहुंचे, लेकिन बाद में वो बैठक से निकल गए। बाहर निकलने के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि हम नए अध्यक्ष के चयन का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए वो बैठक से बाहर निकले हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वो कल वायनाड जाएंगे। उन्होंने केरल में बाढ़ राहत के लिए पीएम मोदी से भी बात की है। वहीं इस बैठक में मनमोहन सिंह, अहमद पटेल समेत प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, सीएलपी सदस्य समेत पदाधिकारियों ने शिरकत की। और सीडब्ल्यूसी को 5 रीजन में बांटा गया है। वहीं बैठक में राहुल गांधी से ही अध्यक्ष बने रहने की अपील भी की गई, लेकिन राहुल गांधी ने फिर से साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने फैसला कर लिया है। वहीं शाम को भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हो सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकें। ये आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी बाहर आकर उन्होंने कहा कि हम इसके चयन में नहीं शामिल हो रहे और इसलिए हम बाहर आ गए हैं। लेकिन अहमद पटेल की बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें, तमाम दिग्गजों की बात करें, तो वो इस बैठक में शामिल हुए और शाम को भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच में एक आखिरी कोशिश फिर से की गई राहुल गांधी को मनाने की कि वो अध्यक्ष पद पर बने रहें, अपने इस्तीफे के फैसले को वापस ले लें। प्रियंका गांधी को भी आप देख सकते हैं, हालांकि कोई भी ज़्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी का ये स्टेटमेंट, मेरा और राहुल का नाम सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, ये एक बड़ी बात है। कंसल्टेशन नेचुरली राहुल जी एंड माई सेल्फ, वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट कंसल्टेशन। लेकिन ग्रुप में आप लोगों का नाम भी है मैम? नो, बट दैट्स ऑब्वियसली अ मिस्टेक because we cannot be in that group. I'm probably going to Kerala tomorrow. What's your plan, sir? I'm trying, if it is, I don't want to disturb there. If it is possible for me to go without disturbing, I'll go tomorrow. Okay. I'll probably spend 2 days is the plan, I think. Your entire constituency is under flood. Yes, I'm aware of it. Okay. Okay. I spoke to the Prime Minister also. I spoke to the Chief Minister. I spoke to the collectors. Okay. And we are trying to help as much as we can. I've also spoken to our Congress workers. I will be there soon. Okay. Thank you.